हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो के टाइटल से ही जान लिया होगा कि हम किस तरह से बिना बुक की हेल्प लिए बच्चों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की रिवीजन और उनकी साउंड्स की नॉलेज दे सकते हैं। रोज़ बच्चे अपनी नोटबुक में लिखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो उनके लिए राइटिंग पार्ट मोनोटोनस बन जाता है। तो हमें किस तरह से एक न्यू वे से हम उन्हें एक साथ कई चीज़ें सिखा सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की हेल्प से आप कुछ ही मिनटों में आप अपने बच्चों की बेसिक नॉलेज को क्लियर कर सकते हैं। आई हैव क्रिएटेड अ वेरी सिंपल टेबल इन माई ड्राइंग फाइल। आपने इस टेबल को 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी अपर केस, सेकेंड कॉलम की हेडिंग होगी स्मॉल केस एंड थर्ड कॉलम की हेडिंग होगी साउंड्स। बिफोर प्रैक्टिसिंग इन दिस टेबल, सबसे पहले हमें समझने हैं इस टेबल के फायदे। पहला फायदा होगा कि हम बच्चों को दोनों केसेस के अल्फाबेट्स एक साथ रिवाइज करवा पाएंगे, मींस कैपिटल एंड स्मॉल केस के लेटर्स को बच्चा आइडेंटिफाई एक साथ कर पाएगा। सेकेंडली, जब बच्चा किसी टॉपिक को लिख कर रिवाइज करता है तो उनकी मेमोरी में वो चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहती हैं। थर्डली, जब बच्चे उसे बोलकर साउंड्स पहचानते हैं तो हिंदी के स्वरों व व्यंजनों की पहचान साथ साथ होती रहती है, जिससे बच्चे हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को आसानी से कोरिलेट कर पाते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होते। फोर्थली, एक बार साउंड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर उन्हें रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, वो कंफर्टेबली वर्ड्स को रीड कर पाते हैं। जब बच्चा इस टेबल को पूरा बना ले तो उसे आप उसमें डिफरेंट कलर्स करने को कहें। वाओ, कलर आइडेंटिफिकेशन भी देखा ना, इस सिंपल से टेबल को बनाने के कितने फायदे। दिस वे किड्स कैन एंजॉय द कलरिंग इन दिस टेबल। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द लेटर्स एंड द साउंड्स। ए सेज ए एज इन एलिगेटर, बी सेज ब एज इन बलून, सी सेज क as in colors, D says D as in door, E says eh or E as in egg or engine, F says F as in fish, G says G as in grapes, H says H as in horse, I says E as in igloo, J says J as in jar, K says K as in kangaroo, L says L as in ladder, M says M as in mug, N says N as in nut, O says O as in octopus, P says P as in peacock, Q says Q as in quill, R says R as in rug, S says S as in snake, T says T as in tap, U says A as in umbrella, V says V as in van, W says W as in watch, X says X as in x-ray, Y says Y as in yak, Z says Z as in zoo. This way we can teach phonics
and revise all the letters to our children in few minutes. Isn't it easy and simple? Keep practicing. Thank you. Take care.